Assalamualaikum. आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी ऑरेंज केक विदाउट अवन, यानी कि मैं इस ऑरेंज केक को पतीली में बनाऊंगी और आप यकीन करें कि आप इसे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि आपको इसके हर बाइट में बहुत ही अच्छा ऑरेंज का फ्लेवर आएगा और ऑरेंजेस का तो वैसे भी सीज़न है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा. तो इसे बनाना शुरू करते हैं. तो देखिए, सबसे पहले हम ऑरेंज का जेस्ट निकाल लेंगे. अगर आपके पास जेस्ट पीलर है तो आप आराम से एक खाने का चम्मच जेस्ट निकाल लें, बट अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप सिंपली देखें, इस तरह से आप एक नाइफ़ ले लें और नाइफ़ से आप ऑरेंज का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट होता है, वो आप इस तरह से उतारें. देखें, इस तरह से आप बस उतारते जाएँ और जब आप पूरा उतार लें तो फिर आप उसके छोटे छोटे पीसेस करके एक तरफ रख दें. और इससे भी आसान तरीका कि अगर आपके पास इस तरह की कोई कद्दूकस करने वाली चीज़ है तो आप इस तरह से ऊपर का ऑरेंज का हिस्सा निकाल लें इस तरह से. तो देखिए, मैंने आपको इस तरह से दो तरीके बता दिए. अब हम क्या करेंगे कि एक अंडा ले लेंगे और इसे तोड़ लेंगे. अब हम एक बोल में अंडे की सफ़ेदी डाल देंगे और अंडे की जर्दी को इस तरह से हाथ से रोक लेंगे. तो देखिए, इस तरह से आप अंडे की जर्दी को अंडे की सफ़ेदी से आराम से अलग कर लें. इसी तरह से हम टोटल चार अंडों की सफ़ेदी और चार अंडों की जर्दी को अलग करेंगे. देखिए, बहुत ही आसान और अच्छा तरीका है ये. और भी बहुत से तरीके होते हैं, आपको जो तरीका पसंद है आप उस तरीके से अंडे की सफ़ेदी को अंडे की जर्दी से अलग कर लें. तो देखिए, यहाँ पे इस तरह मेरे पास चार अंडे की सफ़ेदी और चार अंडे की जर्दी अलग हो गई है. अब हम एक बोल ले लेंगे और उसमें अंडे की सफ़ेदी डाल देंगे. फिर इसमें शामिल करेंगे एक चाय का चम्मच सफ़ेद सिरका, जो नॉर्मली सफ़ेद सिरका आपके घर में मौजूद होता है. फिर हम किसी इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको बहुत ही अच्छे से बीट करेंगे और साथ ही में हम इसमें एक कप पाउडर चीनी दरमियान में डालते जाएंगे. तो देखिए, थोड़ी थोड़ी चीनी डालेंगे और इसको बीट करते जाएंगे. और इसी तरीके से देखिए, हमें अंडे की जो सफ़ेदी है उसे क्रीमी करना है. इतना इसे हम बीटर से बीट करेंगे कि देखिए ये इस तरह से हो जाएगी. तो देखिए किस कदर फ्लफी हो गई अंडे की सफ़ेदी, इस तरह से बिल्कुल जैसे व्हिपिंग क्रीम होती है, इस तरह से बहुत ही अच्छे से. अब हम इसमें शामिल करेंगे चार अंडे की जर्दी. और अब हम क्या करेंगे कि इसको बीट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम बहुत ही आराम से इसको देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे. देखिए इस तरह से. तो देखिए, ये अच्छे से हो चुकी है. अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन एक खाने का चम्मच ऑरेंज जेस्ट, यानी ऑरेंज के जो छिलके हमने उतारे थे, दो खाने का चम्मच फ्रेश ऑरेंज जूस और दो खाने के चम्मच तेल, सिंपली जो कुकिंग ऑयल होता है वो, और फूड कलर डाल देंगे येलो फूड कलर, यानी कि जर्दे का रंग. ऑप्शनल है, केक को बहुत प्यारा सा ऑरेंज कलर देने के लिए मैं इसे डाल रही हूँ, बट अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप मत डालिए. अब हम इसको देखिए इस तरह से मिक्स कर लेंगे. फिर हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन एक कप मैदा. मैदे को अच्छे से छान के इसमें डाल देंगे और फिर मैदे को इस पूरे बैटर में फोल्ड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे. तो देखिए, सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है, हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल तैयार है. अब हम एक 7.5 इंच का गोल बेकिंग पैन ले लेंगे. 7.5 इंचेस का राउंड बेकिंग पैन है ये, और इसको अच्छे से बटर पेपर से ग्रीस कर लेंगे. हर तरफ अच्छे से बटर पेपर लगा लेंगे और फिर इसमें सारा बैटर डाल देंगे. और देखिए, बैटर को इस तरह से थोड़ा सा प्लेन करके काउंटर पे थोड़ा सा टैप करेंगे कि अंदर कोई बड़ा सा एयर बबल है तो वो ब्रेक हो जाए. और अब हम इसे बेक करेंगे. तो अगर आप ओवन में बेक करना चाहते हैं तो आप ओवन में बेक कर लें, बट मैं पतीली में बेक करूंगी. तो मैंने पतीली को पहले से ही प्रीहीट करके रख लिया है, यानी कि पतीली को मैंने गर्म कर लिया है अच्छे से. 10 मिनट के लिए मैंने पतीली को हल्की आंच पे गर्म कर लिया. अब देखिए, इसमें दरमियान में हम केक का बैटर
बहुत ही ध्यान से रख लेंगे। तो अब हम इसे बेक करेंगे 30 से 35 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो देखिए तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं, केक को चेक कर लेंगे, बिल्कुल दरमियान से चेक करेंगे इस तरह से देखिए। तो केक जो है वो अच्छे से डन है, क्योंकि हमारा जो स्कीवर है वो बिल्कुल क्लीन बाहर आया है। दरमियान में से आप चेक करें, और अगर स्कीवर जो है आपका उस पर कुछ बैटर लगा हुआ बाहर आए तो मतलब कि आपका जो केक है उसमें कसर बाकी है, आप उसे थोड़ा सा और बेक करें। तो देखिए अब हम केक को ठंडा कर लेंगे। तो जब तक केक ठंडा हो रहा है तब तक हम क्रीम को विप करके रख देते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 कप नॉन डेरी विपिंग क्रीम ली है। आप किसी भी बेकरी पे जाके नॉन डेरी विपिंग क्रीम मांगेंगे तो आपको मिल जाएगी। इसे हम इस बोल में डाल देंगे, और अब हम किसी इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको बहुत ही अच्छे से बीट करेंगे। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से बीट होने में। 5 मिनट में अच्छे से क्रीम विप हो जाएगी। तो देखिए क्रीम विप हो चुकी है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। देखिए आपको इतनी बीट करनी है कि देखिए इतने आराम से ये सॉफ्ट पीक्स बने इस क्रीम के। तो देखिए मैं आपको दिखाऊँ जो क्रीम विप होती है, आप देखिए इस तरह से वो गिरती नहीं है ना। तो अगर अभी आप इस बोल को उल्टा करेंगे तो भी क्रीम नहीं गिरेगी, क्रीम इतने अच्छे से विप होनी चाहिए। तो देखिए ये ज़बरदस्त तरीके से विप हो चुकी है, हम इसे एक तरफ रख देंगे। तो देखिए जब केक ठंडा हो जाएगा तो आप इस तरह से एक प्लेट के ऊपर इस तरह से उल्टा करके केक को निकाल लें, और इसका जो बटर पेपर है उसे हटा दें। तो देखिए अब हम केक को दरमियान में से काट लेंगे। तो दरमियान में से केक को काटने के लिए मैं धागा यूज कर रही हूँ, आप सिंपली नाइफ से भी कर सकते हैं। बट आप इस तरह से देखिए धागे को बिल्कुल केक के दरमियान में सेट कर लें इस तरह से देखिए। और इस तरह से सेट करने के बाद बहुत ही आराम से आप इस तरह से देखिए केक को, धागे को इस तरह से आप दोनों तरफ खींचेंगे तो केक दरमियान में से कट जाएगा। तो देखिए बहुत ही आराम से हमने केक के दो हिस्से कर लिए। अब हम क्या करेंगे कि केक के जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे नीचे रख लेंगे, और फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा फ्रेश ऑरेंज जूस लगा लेंगे इस तरह से देखिए। इसके बाद हम इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे। तो ये सिंपली व्हिपिंग क्रीम है। देखिए इस तरह से हम अच्छे से व्हिपिंग क्रीम की एक लेयर लगा लेंगे। तो देखिए जब आप अच्छे से व्हिपिंग क्रीम लगा लें दरमियान में, तो इसके ऊपर केक का नीचे वाला हिस्सा रखें इस तरह से देखिए। और अब आप इसके ऊपर भी बहुत ही अच्छे से ऑरेंज जूस लगा लें हर तरफ देखिए अच्छे से। और फिर आप जब अच्छे से लगा लें तो इसके बाद आप केक को बहुत ही अच्छे से व्हिपिंग क्रीम में कवर कर लें। ये जो व्हिपिंग क्रीम मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम है। ये बहुत ही आसानी से आप बेकरी पे किसी भी बेकरी पे जाके आप उनको बोलें कि आपको नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम दे दें तो वो आपको दे देंगे नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम। तो देखिए अच्छे से हर तरफ आप इसको लगा लें, और इस तरह से देखिए आपने नोट किया कि मैं सिलिकॉन स्पैचुला से आइसिंग कर रही हूँ। बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे से सिलिकॉन स्पैचुला से आइसिंग हो जाती है केक पे, अगर आपके पास पैलेट नाइफ नहीं है तो। तो देखिए अब हम ऑरेंजेस को इस तरह से काट लेंगे और साइड्स पे इस तरह से लगा लेंगे, बहुत ही खूबसूरत लगेगा।
और फिर हम इसके ऊपर ऑरेंज जैम जो है वो इस तरह से डाल देंगे। तो अगर आपके पास ऑरेंज जैम अवेलेबल है तो फिर आप इस तरह से देखिए बहुत ही प्यारी सी डिजाइनिंग कर सकते हैं केक के ऊपर। अब आप कोई टूथपिक या स्केवर की मदद से देखिए इस तरह से इसके ऊपर डिजाइन बना ले थोड़ा सा। देखिए इस तरह से अब आप व्हिपिंग क्रीम जो बच जाए उसे एक पाइपिंग बैग में डाल लें और स्टार नोजल ले लें और इस तरह से देखिए साइड्स पे फ्लावर बना दें। जिस तरह से पाइनएप्पल केक बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है उस तरह हम किसी भी फ्रूट से बहुत ही जबरदस्त केक बना सकते हैं उस फ्रूट का फ्लेवर केक में देके। तो ये ऑरेंज केक जो है इसमें आपको भरपूर जायका आएगा ऑरेंज का और आपको ये केक बहुत पसंद आएगा। अब आप क्या करें कि केक को जो है तकरीबन भी कम से कम 1 दिन के लिए फ्रिज में रखें, अच्छे से चिल होने दें, उसके बाद सर्व करेंगे तो आपको अंडे की कोई स्मेल नहीं आएगी केक में। अगर आपने जैसे स्पंज बनाया उस पर आइसिंग लगाई और उसी दिन सर्व कर दिया तो आपको शायद एग की स्मेल आए, बट 1 दिन अगर फ्रिज में रखेंगे तो केक जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो देखिए तैयार है बहुत ही जबरदस्त सा ऑरेंज केक। अगर आपको ये मेरे बहुत ही जबरदस्त से ऑरेंज केक की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।